नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव ट्रांसमिशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला हिंदी भाषा और हिंदी काव्य, इसके तहत आज हम चर्चा करेंगे एक अहम विषय पर। और हमारा आज का विषय है विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारी कवि। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कई वर्षों से अध्यापन के कार्य से जुड़ी हुई हैं। और बताना चाहेंगी कि सीसे के लाइव ट्रांसमिशन के माध्यम से जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनसे जुड़ती हैं और जितना भी ज्ञान इनके पास है ये इसको वितरित करने में विश्वास रखते हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज इस विषय पर अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी से, तो आप साक्षात हमें हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता कुमारी से प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 110 4300। नंबर एक बार आपको पुनः बता देते हैं, नंबर है 1800 110 4300। तो आइए मित्रों, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का और आज के इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, आज का जैसा कि गीतिका जी ने बताया ही है, विषय है विद्यापति भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी कवि। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित जनभाषा के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति के व्यक्तित्व को हमने पिछले व्याख्यान में जाना। तब हमने देखा कि विद्यापति बहुभाषाविद थे, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और साथ ही बहुप्रतिभा संपन्न थे। और उनका व्यक्तित्व विरोधी, परस्पर विरोधी व्यक्तित्व भी था। जैसे वो एक और भक्त कवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं, तो दूसरी ओर वो घोर श्रृंगार का वर्णन करते हैं। एक ओर वे कामशास्त्र का वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धर्म, नीति, आचार की चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व परस्पर विरोधी विचारधाराओं से युक्त था। तो यही कारण रहा कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 50 वर्षों के दौरान ये विवाद प्रारंभ हुआ कि विद्यापति को भक्त माना जाए या विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना जाए। विद्यापति की अनेक रचनाएं थी, संस्कृत की रचनाएं भी हैं, अवहट में लिखी हुई रचनाएं भी हैं और मैथिली भाषा में लिखी हुई विद्यापति की पदावली भी है। तो अब जो संस्कृत की रचनाएं हैं, जिसमें जैसे शैव सर्वस्व सार है या दान वाक्यावली है या गया पत्तलक है, वर्ष कृत्य आदि रचनाएं हैं, उनमें तो उनका भक्त रूप दिखाई देता है। परंतु जो अवहट की रचना है कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये कीर्तिपताका श्रृंगार काव्य है और कीर्तिलता जो है वो चरित काव्य है, अवहट भाषा में रचित है। परंतु विद्वानों के बीच में विवाद का विषय बना वो पदावली को देखते हुए कि विद्यापति के जो स्फुट पद थे, जो उस समय बंगाल में, बिहार में, नेपाल की तराइयों में गाए जाते थे, तो उनको देख करके उनके विषय में विद्वानों में ये विवाद प्रारंभ हो गया। और ये विवाद जो प्रारंभ हुआ ये हुआ 19वीं सदी के अंतिम दशकों से लेकर के और 20वीं सदी के प्रारंभिक 2-3 दशक, अर्थात लगभग अर्धशताब्दी, 50 वर्षों के करीब ये विवाद चलता रहा। इस विवाद का जो प्रारंभ था वे प्रारंभ हुआ डॉक्टर ग्रियर्सन की भूमिका से। डॉक्टर ग्रियर्सन जो प्रसिद्ध प्रारंभिक इतिहासकार रहे, उन्होंने मैथिली क्रेस्टोपैथी इस पुस्तक की भूमिका में इस विषय को उठाया और विद्यापति पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्यापति की जो विषय था, कथ्य था, जो पदावली में कथ्य था, राधा कृष्ण का जिस रूप में वर्णन किया गया है उसे देख करके उन्होंने कहा कि ये तो प्रतीकात्मक वर्णन है। और इस तरह से
विद्यापति के पदों की प्रतीकात्मकता का विश्लेषण किया गया। उनका कथन था, राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, ये तब तक अप्रतिहत रूप से चलता है जब तक जीवात्मा परमात्मा में लय होकर सायुज्य लाभ नहीं कर लेता। जीवात्मा अपने सांसारिक प्रपंचों और माया के पाशों में इस प्रकार आबद्ध है कि अपनी आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, इसलिए उसे करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्यापति के काव्य में दूती इसी गुरु का प्रतीक है। यह दूती जीवात्मा या प्रेमिका को परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। इतना ही नहीं, इस अभिसार या प्रेम मिलन के प्रत्येक कार्य में वही उसकी सहायता भी करती है। तो ये भूमिका में डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो कहा, ये उदाहरण हमने सीधा वहीं से आपके सामने रखा है। इस उदाहरण को देख करके आप जान रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि विद्यापति की पदावली को उन्होंने राधा कृष्ण का जो संबंध है उसको प्रतीकात्मक माना है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, और प्रिया जो राधा है वो जीवात्मा है, प्रेमिका के रूप में है, और कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप में है, और इन दोनों को मिलाने का कार्य दूती करती है, और दूती जो है सखी भी है, वो दूती भी है, वह राधा के पास बार बार जाती है और राधा को कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण से भेंट करने के लिए कहती है, बार बार उनसे मिलने के लिए कहती है, और उनके अभिसार में, उनके प्रेम मिलन के प्रत्येक कार्य में वह उसकी सहायता भी करती है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस विवाद को प्रारंभ किया। इस भूमिका में ही पता चला कि विद्यापति का जो पदावली है, उनके जो पद हैं वो सामान्य प्रेम का, प्रेम संबंध से जुड़े हुए ना हो करके, राधा कृष्ण का प्रेम या सामान्य नायक नायिका का प्रेम ना हो करके एक प्रतीकात्मक प्रेम है, और वे विद्यापति को एक रहस्यवादी कवि के रूप में चित्रित करते हैं। तो जैसे ही ग्रियर्सन ने ये बात लिखी विद्यापति के विषय में, तो विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से इस दृष्टि से विद्यापति के पदों की ओर गया। उन्होंने भी इस रहस्यात्मक दृष्टि से, इस प्रतीकात्मक दृष्टि से विद्यापति की पदावली का पुनर्मूल्यांकन किया, उस पर पुनर्विचार किया, और वे कुछ विद्वान मानने लगे कि विद्यापति के जो पद है वो रहस्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, और कुछ विद्वान ये मानने लगे कि नहीं, इन पदों में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है, इनमें सामान्य नायक नायिका के प्रेम का, उनके मिलन का, उनके विरह का ही वर्णन है। तो इस तरह से इस विवाद में जो दो पक्ष बन गए, एक पक्ष मानने लगा कि विद्यापति भक्त है, तो विद्यापति को भक्त मानने वाले जो विद्वान थे उनमें मुख्य थे डॉक्टर ग्रियर्सन, जिन्होंने इसको प्रारंभ भी किया था, जिन्होंने इस ओर सबसे पहले ध्यान दिया था, फिर श्री नगेंद्रनाथ गुप्त, डॉक्टर जनार्दन मिश्र, श्री कुमार स्वामी, बाबू ब्रजनंदन सहाय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये प्रमुख रूप से वे विद्वान रहे जिन्होंने विद्यापति की पदावली को, विद्यापति की रचना को देखते हुए उन्हें भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया, उन्हें भक्त माना। इसी को आगे बढ़ाते हुए श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने पूरी तरह से विद्यापति के काव्य को रहस्यात्मकता से पूर्ण माना, और उन्होंने सन 1835 ईस्वी में सीनेट हॉल में पटना में दिए गए व्याख्यान में स्पष्ट कहा कि विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश यही है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही है और एकांत स्थान में परमात्मा से मिलने के लिए चिंतित है। संसार ईश्वर प्रेम से परिचित नहीं है, इसलिए वे भक्त के मार्ग में
अड़चन डालता है। यह देख ईश्वरान्वेषी भक्त संसार छोड़ शांतिमय वन में जाकर एकांत स्थान में निवास करता है। इसी विषय का वर्णन विद्यापति ने दूसरे शब्दों में किया है। अब विद्यापति के एक पद का उदाहरण देते हुए श्री नगेंद्र नाथ गुप्त जी ने पूरी उसकी व्याख्या की, पूरा एक वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया कि मूसलाधार वृष्टि हो रही है और भयानक शब्द करता हुआ वज्र गिर रहा है, किंतु नायिका को जरा भी भय नहीं है। वे सांपों को पैरों से कुचलती हुई अपने प्रेमी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है। तो ये पूरा पदावली का जो प्रसंग है, राधा और कृष्ण के प्रेम का जो प्रसंग है, उसको श्री नगेंद्रनाथ रहस्यवादी मानते हैं कि उसमें पूरी तरह से रहस्यात्मकता है। और राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम ना हो करके, सामान्य नायक नायिका का प्रेम ना हो करके अलौकिक प्रेम है। और इस अलौकिक प्रेम में जो जीवात्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए इतनी व्याकुल है, इतनी बेचैन है कि उसके मार्ग में जो अड़चनें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, वह उनकी परवाह ना करते हुए, उनकी चिंता ना करते हुए आगे बढ़ती है मिलने के लिए। और कृष्ण मिलन के लिए जब वे जाती है तो सांप को भी अपने पैरों के नीचे कुचलती हुई चली जाती है। उसके मन में प्रेम का इतना अधिक भावोद्वेग हो रहा है कि वे निर्भीक हो गई है। उसके मन में ना तो बादलों की गर्जन का भय है, ना मूसलाधार वृष्टि का भय है, और ना ही उसको सांपों के द्वारा डसे जाने का भय है। और वे सांपों को अपने पैरों के नीचे कुचलती हुई और कृष्ण से मिलन के लिए अग्रसर होती है। और ये सामान्य नायिका का प्रेम ना हो करके एक अलौकिक जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम है। और विद्यापति के पंक्तियों को वे कोट करते हुए स्पष्ट कहते हैं, रयनी काजर बम भीम भुजंगम कुलिस पड़े दुर्वार गरज तरस मन ऐसे बरिस घन संसा पड़ अभिसार। कि रयनी काजल, पूरी रात जो है अंधकार से भरी हुई है, काजल की तरह अंधेरी है, वज्र पड़ रहे हैं, कुलिश वज्राघात हो रहा है, परंतु वे उनको, वे उसके रास्ते को, उसके मार्ग को रोक नहीं पाते हैं। बादल गरज रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, और उसका मन जो है वो मिलन के लिए व्याकुल है और वह अभिसार के लिए तत्पर है। चरण बेधल फनिहित कहे मानल धनी नेपुर न करे रोल सुमुखी पूछी तो ही स्वरूप कहसी मोही सिनेह कतए दुर ओल। कि रास्ते में जा रही है और पैरों पे सांप लौट रहा है, चरण बेदल फनी, फनी सांप जो है उसके चरणों में, उसके पैरों में लौट जाता है, और उससे वो भयभीत नहीं होती अपितु उससे उसको ये लगता है कि ये तो मेरे नेपुर, नुपुरों की जो ध्वनि थी उसको रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि वो अभिसार के लिए जा रही है, कृष्ण से मिलन के लिए जा रही है, और कृष्ण के मिलन में नुपुर की आवाज़ ना हो तो सांप जो है उसके सहायक बन रहे हैं। तो वो उस बाधा को भी, उस अंतराय को भी अपने कृष्ण मिलन के संदर्भ में सहायक मानती है। और जो राधा की सखी है वो राधा से यही पूछती है कि हे सुमुखी, पूछी तो ही स्वरूप कहसी मोही सिने कतए दुरोल, कि तुम्हारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कितना दूर तक चला गया है, कितना आगे बढ़ गया है, प्रेम में कितनी अधिक प्रगाढ़ता आ गई है, तो ये बताइए। तो जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जितना प्रगाढ़ प्रेम होगा वह उतना अधिक प्रेम से के लिए मिलने के लिए आतुर होगा, और फिर उन अंतरायों को वे कुछ नहीं अपने सामने मानेगा, नगण्य मानेगा। तो इस रूप में श्री नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति को भक्त मानते हुए और उनकी जो पदावली है उसमें जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसमें रहस्यात्मकता देखी, और उसमें वे नायक नायिका का प्रेम ना देख करके जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम इस रूप में उन्होंने देखा। तो ये तो था श्री नगेंद्र नाथ जी का मत। इसी तरह से
एक अन्य विद्वान थे जो विद्यापति को भक्त मानते हैं, वे थे श्री जनार्दन मिश्र। और जनार्दन मिश्र भी विद्यापति को भक्त मानते हुए स्पष्ट कहते हैं कि विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था, उसके प्रभाव से बचकर निकलना और किसी अधिक निष्कंटक मार्ग का अवलंबन करना इन्हें शायद अभीष्ट ना था। अथवा अभीष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जाने की शक्ति इनमें ना थी, इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा की उपासना की जो धारा उमड़ रही थी उसमें इन्होंने अपने को बहा दिया। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि जनार्दन मिश्र जो है वे बात कर रहे हैं कि वो वातावरण ही रहस्यमय चित्रण का था, कि वे वातावरण ही ऐसे था कि जिसमें रहस्यवाद की कविता रची जा रही थी, और विद्यापति उस वातावरण को देखते हुए वे स्वयं उस धारा में बह गए और उन्होंने उस रहस्यवादी प्रकृति को ही अपनाते हुए अपनी कविता को मूल धारा से जोड़ते हुए जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में चित्रित किया, उस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी तरह से एक अन्य विद्वान रहे श्री कुमार स्वामी, वह भी विद्यापति को भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, वे भी मानते हैं कि विद्यापति जो है वो भक्त कवि रहे। उनके अनुसार विद्यापति का काव्य गुलाबों का काव्य है, चारों ओर गुलाबों से परिवृत यह आनंद निकुंज है, यहाँ हमें स्वर्ग का दर्शन होता है, वृंदावन की कृष्ण लीला शाश्वत है, वृंदावन मनुष्य का हृदय प्रदेश है, यमुना का किनारा इस संसार का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण अर्थात जीव और ईश्वर की लीला भूमि है, वंशी की ध्वनि अदृश्य सत्ता का स्वर है, जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का आह्वान है। तो ये माना श्री कुमार स्वामी ने, और कुमार स्वामी के अनुसार जो विद्यापति का काव्य है वो पूरी तरह से प्रतीकात्मक है, और उस प्रतीकात्मकता में राधा और कृष्ण के प्रेम को ही नहीं लिया अपितु उनसे जुड़े हुए वृंदावन को, बांसुरी को, यमुना तट को, इन सब को भी प्रतीक रूप में वे स्वीकार करते हैं। स्पष्ट कहते हैं कि वृंदावन जो है वो मनुष्य का हृदय प्रदेश है, और राधा और कृष्ण की जो लीला है ये लीला क्षणिक लीला या एक समय विशेष के लिए नहीं है अपितु ये लीला शाश्वत लीला है, और यमुना का जो किनारा है वे इस संसार का प्रतीक है, और राधा और कृष्ण जीव और ईश्वर के प्रतीक हैं, और इन दोनों का प्रेम वही अलौकिक प्रेम है। तो इस तरह से श्री कुमार स्वामी, जनार्दन मिश्र, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि विद्वानों ने विद्यापति के पदों को प्रतीकात्मक रहस्यवादी माना और विद्यापति को एक भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया। और ये भी माना गया कि विद्यापति के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उनमें इतने तल्लीन हो जाते थे, वे जब उन पदों को गाते थे तो वो राधा कृष्ण के प्रेम में ऐसे भावमग्न हो जाते थे, नृत्य करने लगते थे और मूर्छा की अवस्था में पहुंच जाते थे। नेपाल की तराइयों में विद्यापति के पद भक्त के रूप में गाए जाते थे, उनके पदों का कीर्तन किया जाता था, और विद्यापति के जो पद थे वे उस समय बंगाल में विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय में, एक उस समय नया प्रचलित हुआ सहजिया संप्रदाय, उस संप्रदाय में भक्ति के पदों के रूप में उनका गान किया जाता था। तो इस तरह से जो विद्वान विद्यापति को भक्त रूप में मानते हैं वे ये तर्क देते हैं कि विद्यापति के जो पद हैं वो भक्ति से ओतप्रोत हैं, वो सामान्य प्रेम से जुड़े हुए ना हो करके प्रतीकात्मक हैं,
उनका जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो प्रतीकात्मक है, और उसमें जो वृंदावन है, जो बांसुरी है, जो यमुना का किनारा है, ये सब भी प्रतीक रूप में है। तो और इसी प्रतीकात्मकता को देखते हुए, इसी रहस्यात्मकता को देखते हुए, जो बंगाल में, जो बंगाल के प्रसिद्ध भक्त कवि हुए चंडीदास, उनकी विद्यापति से भेंट भी हुई थी, और विद्यापति से भेंट होने के बाद उन्होंने विद्यापति के पदों की तर्ज पर ही भक्ति के पद गाना शुरू कर दिया, भक्ति के पद उस वो रचने लगे। और उन चंडीदास पूरे बंगाल में एक भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, और उनके उन पदों की जो मूल प्रेरणा है वो विद्यापति के पदों को बंगालवासी मानते हैं। और विद्यापति के पदों से प्रभावित होकर ही उस समय एक नई भाषा का प्रचलन हो गया, एक नई काव्य धारा का प्रचलन हुआ, जिसे ब्रज बुली कहा गया, जो ब्रज भाषा भी नहीं है, जो बंगला भाषा भी नहीं है, उनका एक सम्मिश्रित रूप है ब्रज बुली, और उसमें साहित्य की रचना की जाने लगी। तो इस तरह से ये विद्वानों का एक समूह जो था वो विद्यापति को एक भक्त के रूप में मानने लगे। अब दूसरी ओर जो एक और विद्वानों का समूह था जो विद्यापति को भक्त ना मान करके श्रृंगारी कवि, घोर श्रृंगारी कवि के रूप में मानता है, और उसमें श्रृंगारी कवि मानने वालों में जो मुख्य विद्वान हैं वे हैं महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, श्री विनय कुमार सरकार, डॉक्टर सुभद्र झा, पंडित शिवनंदन ठाकुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस तरह से मित्रों प्रारंभ में डॉक्टर ग्रियर्सन ने पुस्तक की भूमिका में ये प्रश्न उठाया था और विद्यापति के काव्य को रहस्यवादी काव्य, प्रतीकात्मकता से युक्त काव्य कहा उनके पदों को, और उसी का विरोध करते हुए विद्यापति की ही रचना कीर्तिलता की भूमिका लिखते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने उन्हें पूरी तरह से श्रृंगारी कवि घोषित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी के हम शब्दों को देखें, उनके उदाहरण देखें जो उन्होंने कीर्तिलता की भूमिका में कहा, कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए विद्यापति के स्मृति ग्रंथों में शिव, गंगा और दुर्गा है, किंतु कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है। मुझे तो इसका एक ही अर्थ मालूम पड़ता है कि विद्यापति जब आदि श्रृंगार रस का गाना लिखते थे तब राधा कृष्ण का नाम विशेष रूप से स्वयं आ जाता था, यह स्वाभाविक है। अब हरप्रसाद शास्त्री जी के हम इन पंक्तियों को देखें, इनका विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो संस्कृत में रचनाएं लिखी गई उनमें शिव की स्तुति है, शिव की वंदना है, गंगा की वंदना है, दुर्गा की स्तुति है, और विद्यापति को लेकर के ये भी एक विवाद रहा कि वे वैष्णव भक्त थे या शैव थे। वास्तव में जो उनके पूर्वज थे, उनके पिता, उनके पितामह आदि थे, वह शैव भक्त थे, शिव की उपासना करते थे। विद्यापति ने स्वयं भी शिव की नचारियाँ लिखी हैं, महेश वाणी लिखी है, तो और विद्यापति शिव की स्तुति भी करते हैं, शैव सर्वस्व सार में उन्होंने शिव की स्तुति की है, महेश वाणी में की है, और उनकी संस्कृत रचनाओं में कहीं भी राधा और कृष्ण का नाम नहीं मिलता है, और उनकी किसी भी रचना के प्रारंभ में मंगलाचरण में भी वे राधा कृष्ण की स्तुति नहीं करते हैं। तो इस तरह से वे कृष्ण भक्त या वैष्णव भक्त नहीं कहे जा सकते। और शास्त्री जी ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यापति जो है, क्योंकि श्रृंगार रस को आदि रस, प्रारंभिक रस, पहला रस, मुख्य रस कहा जाता था, तो इसलिए वे आदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कि विद्यापति जब आदि रस का गाना लिखते थे तब राधा कृष्ण का नाम विशेष रूप से स्वयं अपने आप आ जाता था, उनके प्रति कोई भक्ति भाव से प्रेरित होकर के या आराध्य के प्रति अपनी भावना को प्रकट करते हुए
वे राधा कृष्ण का प्रेम प्रस्तुत कर रहे हों ऐसा नहीं है। और जिस रूप में आगे चल करके हम देखते हैं कृष्ण भक्त कवि सूरदास नंददास या मीरा या रसखान आदि राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हैं, वह एक भक्त का हृदय है। उनका वर्णन जो है वो एक भक्तिपरक वर्णन प्रतीत होता है। परंतु जब हम विद्यापति की पदावली देखते हैं तो उसमें जिस तरह से नाम मात्र राधा और कृष्ण का वहाँ में दिखाई देता है, परंतु वह राधा कृष्ण का केवल एक संबोधन है, केवल एक उपाधि मात्र है। वास्तव में जो उनके मिलन के, उनके संयोग के, उनके अभिसार के वर्णन जिस तरह से विद्यापति ने प्रस्तुत किए हैं, वह श्रृंगारी का दिख है। उनमें कहीं पर भी अलौकिकता नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए विद्यापति पदावली के पदों में भक्ति को ढूंढना ये या उनको भक्तिपरक पद कहना ये उनके साथ ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। तो इस तरह से श्रृंगारी कवि के रूप में विद्यापति को एक पहचान हरप्रसाद शास्त्री ने प्रारंभ की। और उन्हीं शास्त्री जी ने ही एक अन्य तर्क दिया कि विद्यापति के करीब करीब 200 वर्ष बाद कीर्तन की सृष्टि हुई। विद्यापति के पद कीर्तन के लिए नहीं बनाए गए थे। जैसा पूर्व मत वाले भक्त मानने वाले विद्वानों ने तर्क दिया था कि विद्यापति के जो पद हैं वो पूरे बंगाल प्रदेश में नेपाल की तराइयों में गाए जाते थे, कीर्तन के रूप में गाए जाते थे, और ये मानते हैं कि कीर्तन की परंपरा का प्रारंभ विद्यापति से हुआ। तो इसका खंडन करते हुए शास्त्री जी ये तर्क देते हैं कि जो कीर्तन गान की परंपरा है वो विद्यापति के से 200 वर्ष बाद प्रारंभ हुई है। जब सूरदास नंददास मीरा आदि आए उस समय कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों द्वारा इस कीर्तन की परंपरा को प्रारंभ किया गया। तो ये मानना कि विद्यापति के पद कीर्तन के लिए बनाए गए थे ये मत उचित नहीं है, ये मत ठीक नहीं है। तो इसी तरह से एक अन्य विद्वान थे विनय कुमार सरकार, उन्होंने भी विद्यापति की पदावली को उनके पदों को एक भक्त हृदय के उद्गार ना कह करके अपितु तो उनकी पदावली को मानवीय संबंधों का काव्य कहा है। वे विद्यापति पदावली की प्रशंसा करते हैं, उच्च कोटि की काव्य शिल्प उसमें दिखाई देता है। विद्यापति के काव्य का सौंदर्य इतना अधिक है जो जिसका पालन आगे चल करके हमें रीतिकालीन कवियों में दिखाई देता है। रीतिकालीन कवि भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो उनके वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। परंतु उनका काव्य एक भक्त हृदय का, एक भक्तिपरक काव्य ना हो करके मानवीय संबंधों का काव्य है। इसलिए विनय सरकार कहते हैं ऐन्द्रिक भावना का मानवीय संबंधों के बीच इतना सुंदर सम्मिश्रण और इतने ऊंचे स्तर का चित्रण भारतीय साहित्य में विद्यापति के अतिरिक्त और किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस तरह से जो विनय सरकार हैं, विनय कुमार सरकार, वे उनके काव्य को ऊंचे स्तर का काव्य कहते हैं। और भारतीय साहित्य में ये भी मानते हैं कि उनके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने ऐसा चित्रण प्रस्तुत नहीं किया है। परंतु वे उनके काव्य को भक्तिपरक या प्रतीकात्मक काव्य करने में कहना स्वीकार नहीं करते, वे उनके भक्त होने का खंडन करते हैं। इसी तरह से हमारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो विद्यापति को भक्त कवि कहने के लिए बड़े जोरदार शब्दों में, प्रबल शब्दों में खंडन करते हैं। और वे कहते हैं विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उनका विरोध करते हुए, एक व्यंग्य करते हुए कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उस समय एक परंपरा चल पड़ी थी
किसी भी प्रेम प्रसंग को अध्यात्म का नाम दे देना कि ये आध्यात्मिक प्रेम है, तो उसके लिए वो कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उनकी बड़ी लोकप्रिय पंक्ति है कि उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी वे आध्यात्मिक पद कहते हैं। अब विद्यापति के पदों को जिनमें एक श्रृंगार का वर्णन है, जिसमें काम शास्त्र के सभी भावों का, सभी अनुभवों का, संचारी भावों का वर्णन किया गया है, सभी काम कलाओं का चित्रण किया गया है, और उन पर अध्यात्म का आवरण चढ़ाकर कह देना, ये वास्तव में विद्यापति के पदावली का सही मूल्यांकन नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अध्यात्म के जो चश्मे हैं वे बड़े आजकल सस्ते हो गए हैं, तो हर पद को, हर गीत को आध्यात्मिक रंग दे दिया जाता है। तो जयदेव के गीत गोविंद को भी वे ना तो आध्यात्मिक मानते हैं और ना ही विद्यापति की पदावली को। इसी तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, उन्होंने भी अपने इतिहास ग्रंथ में विद्यापति के बारे में स्पष्ट लिखा कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रखर है। आराध्य देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए वह उसमें लेश मात्र भी नहीं है। उन्होंने विद्यापति के श्रृंगार पर ऐसी लेखनी उठाई है जिससे राधा और कृष्ण के जीवन का तत्व प्रेम के सिवाय कुछ नहीं रह गया है। इस तरह से मित्रों हमने देखा कि जो विद्यापति के भक्त होने के समर्थक थे उन्होंने अपने तर्क रखे, और जो विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने के दावा करते हैं उन्होंने अपने पक्ष में तर्क रखे। तो हमने आपके सामने दोनों प्रकार के विद्वानों के कोट्स उदाहरण आपके सामने रखे हैं। अभी हम अल्प विराम लेंगे, उसके आगे हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर दोनों के तर्कों का, भक्त कवियों मानने वाले विद्वानों के तर्क का भी और श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वानों के तर्क का भी विश्लेषण करते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो अभी हम अल्प विराम लेंगे, पुनः हमसे भेंट करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं, विभिन्न विद्वानों के मत हमने आपके सामने रखे कि किस रूप में विद्यापति भक्त माने जाएं और किस रूप में विद्यापति एक श्रृंगारी कवि के रूप में माने जाएं। तो जो विद्वानों ने विद्यापति को भक्त माना है उन्होंने अपने तर्क रखे और उन्होंने परमात्मा को पति रूप में माना और जीवात्मा को पत्नी रूप में माना, और जीवात्मा राधा है और परमात्मा कृष्ण है, और जीवात्मा राधा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, उससे मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए
जाती है, अभिसार के लिए जाती है। और विद्वानों ने उनके मत का समर्थन करते हुए, अपने मत का समर्थन करते हुए यह कहा कि जयदेव ने जिस तरह से, क्योंकि विद्यापति के सामने श्रीमद् भागवत का जो राधा कृष्ण का प्रेम है वह भी एक आदर्श रूप था और जयदेव की गीत गोविंद का भी एक आदर्श था, तो उन्होंने भागवत की परंपरा को ना स्वीकार करके जयदेव के गीत गोविंद की परंपरा को स्वीकार किया और उसमें आध्यात्मिकता का पुट देते हुए एक प्रतीकात्मक शैली में राधा कृष्ण के प्रेम को, जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम को प्रस्तुत किया। ये भक्त कवि मानने वाले विद्वानों का एक मत था। और क्योंकि वह पद पूरे मिथिला प्रदेश में, पूरे बंगाल में, पूरे नेपाल की तराइयों में गाए जाते थे और एक भक्ति पर गीतों के रूप में उनका गान होता था, तो इसलिए विद्यापति के पदों को वो भक्ति काव्य के रूप में मानते हैं। पर इनके मतों का खंडन करते हुए जो श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान थे उनका ये मत है कि जो रहस्यवादी काव्य की परंपरा है वे हमारे भारत में वैदिक काल के पश्चात एक जो नवीन रूप में आई वो सूफी कवियों के आने के बाद हुई। सूफी जब यहाँ पर भारत में आए तो वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने यहाँ की लोक कथाओं को लिया, यहाँ की प्रेम कथाओं को लिया और उन लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से उस आध्यात्मिक प्रेम को प्रस्तुत किया। और रहस्यवादी जो कविता है उसमें परमात्मा जो पति रूप है उसके लिए जीवात्मा प्रयासरत रहती है, परमात्मा प्रयासरत नहीं रहता है, जीवात्मा ही परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है, साधक ही परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, परंतु परमात्मा प्रयासशील नहीं होता। जबकि हम विद्यापति के पदों में देखते हैं तो राधा कृष्ण से मिलन के लिए जितनी व्याकुल है उससे कहीं अधिक व्याकुल कृष्ण को दिखाई देते हैं। कृष्ण जो है वो एक सामान्य नायक के रूप में है और उनकी जो भाव दशा का चित्रण, उनकी जो मनोदशा का चित्रण विद्यापति करते हैं वह उतना अधिक व्याकुल, इतना अधिक आतुर, इतना बेचैन है और वे राधा से मिलन के लिए बहुत अधिक व्याकुल हैं और वे कहीं पर भी, वहाँ जो कृष्ण है वो एक सामान्य नायक के रूप में ही है, वे कहीं पर भी भगवान के रूप में या परमात्मा के रूप में नहीं दिखाई देते। और दूसरे जो बात है वो जो सूफी कवियों ने जिस तरह से आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया वहाँ वे सूफी कवि उस आध्यात्मिक प्रेम को, उस आध्यात्मिक प्रतीकों को स्पष्ट भी कर देते हैं, जैसे हम पद्मावत में देखते हैं वहाँ पूरा जायसी स्पष्ट कर देते हैं कि अलाउद्दीन कौन है, वो रत्नसेन कौन है, पद्मावती कौन है, नागमती कौन है, तो वो किसके क्या प्रतीक है वो स्पष्ट कर देते हैं। जबकि विद्यापति ने अपनी पदावली में कहीं पर भी इस तरह की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट नहीं किया है, तो उनकी पदों को प्रतीकात्मक या रहस्यवादी मानना ये उचित नहीं है। इसी तरह से विद्यापति या अन्य किसी भी मैथिल कवि ने पति के रूप में ईश्वर की उपासना करने का संकेत नहीं किया है, कि मिथिला में अन्य कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जिन्होंने इस रूप में, जैसा सूफी कवियों ने किया, तो कई अनेक सूफी कवि हैं जिन्होंने, जैसे उस्मान की चित्रावली देखते हैं, मंजन की मधुमालती देखते हैं, या कुतुबन की मृगावती देखते हैं, या जायसी का पद्मावत देखते हैं, तो वे एक पूरी हमें परंपरा दिखाई देती है, परंतु मिथिला में कोई ऐसी परंपरा में नहीं दिखाई देती कि कोई ऐसा मैथिल कवि और नहीं हुआ जिन्होंने अपनी रचना में पति के रूप में ईश्वर की उपासना की हो। इसी तरह से विद्यापति की जो प्रेम गीत है वो मिथिला में प्रेम गीतों के रूप में ही गाए जाते हैं, ना कि एक भक्ति परक गीत के पद के रूप में। प्रेम गीत के रूप में मिथिला में उन पदों को प्रसिद्धि है, मिथिला में वो गाए जाते हैं,
विवाह के अवसर पर झूला झूलते हुए या अन्य किसी त्यौहार आदि पर वह मिथिला में इन लोकमुख में विद्यापति के पद जो है वो प्रसिद्ध रहे हैं, परंतु पूर्वी क्षेत्रों में इसकी परंपरा सदियों पुरानी है। पर विद्यापति के पद एक भक्ति परक पद के रूप में इन अवसरों पर नहीं गाया जा, हरि कीर्तन की जो परंपरा थी, हरि कीर्तन के रूप में जिस तरह से चंडीदास के पद गाए जाते हैं, जिस तरह से बंगाल के अन्य भक्त कवियों के पद गाए जाते हैं, गौड़ीय संप्रदाय के पदों का गान किया जाता है, उस रूप में हरि कीर्तन के रूप में विद्यापति के पदों का गान नहीं किया जाता। यह इन विद्वानों ने स्पष्ट किया। और विद्यापति के जो पद हैं वो विशेष रूप से विवाह के अवसरों पर, यज्ञोपवीत के अवसर पर, झूला झूलते हुए या यात्रा आदि के समय पर गाए जाते हैं। हाँ, विद्यापति की जो नचारियाँ हैं, शिव की नचारियाँ हैं या जो महेश बानी है, वह गाई जाती है। पर जो पदावली में राधा कृष्ण का प्रेम है उसको इस रूप में नहीं गाया जाता, वे प्रेम गीतों के रूप में गाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों, जो निष्कर्ष रूप में देखें तो विद्यापति साहित्य की जो भावधारा है वह भक्ति मूलक नहीं अपितु पूर्णतया श्रृंगारिक है। विद्यापति श्रृंगार को जीवन के अन्य पक्षों से पृथक या जीवन के सामान्य धरातल से विच्छिन्न करके नहीं चित्रित करते। उनकी प्रेम भावना जीवन के अनेक पक्षीय प्रसार के बीच उसके सामान्य धरातल पर ही उद्भूत एवं अनुस्यूत होती है। तो जो प्रेम का एक सहज स्वाभाविक चित्रण है, जो प्रेम की विविध भंगिमाएं हैं, उनका बड़े उच्च स्तर पर, एक उच्च स्तरीय कविता के स्तर पर विद्यापति ने वर्णन किया है। और गीति काव्य की परंपरा में उनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु भक्ति काव्य की परंपरा में या जिस तरह के हमें आगे चल करके कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त कवियों के पद दिखाई देते हैं, उस रूप में विद्यापति के पदों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके गीति पदों में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है, उनमें धर्म नीति आचार व्यवहार संबंधी अनमोल सूक्तियाँ गुंफित रहती हैं। विद्यापति के पदों में देखेंगे तो प्रेम का वर्णन कर रहे हैं और अंतिम पंक्ति में विद्यापति भनती करके विद्यापति कहते हैं, या दूती के मुख से, सखी के मुख से वे कोई ना कोई सूक्ति कथन खिलवा देते हैं। वो सूक्ति कथन धर्म से जुड़ा हो जाता है, वह सूक्ति कथन कोई आचार व्यवहार से संबंधित होता है, वह सूक्ति कथन नीति परक हो जाता है। तो विद्यापति के पदों को यदि हम इस दृष्टि से देखें तो ये एक अलग शोध का विषय है। उनके पदों में अगर हम सूक्तियों का संग्रह करने लगे तो उनमें 200 से भी अधिक सूक्तियाँ मिल जाती हैं, जो धर्म से संबंधित है, आचार व्यवहार से संबंधित है, नीति से संबंधित है। तो इन सूक्तियों का भी संकलन किया जा सकता है, ये एक अलग शोध का विषय रहेगा। परंतु एक भक्त कवि के रूप में, एक जो भक्त की भावना से उत्प्रेरित होकर के जो सूरदास ने पद लिखे या मीरा ने पद लिखे या नंददास के पद हैं या रसखान के पद हैं या अन्य कृष्ण भक्त कवियों के पद हैं, वैसे पद हमें विद्यापति के नहीं प्रतीत होते। आप विद्यापति पदावली को पढ़ेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे। पर श्रृंगार रस का चित्रण करने के रूप में, प्रेम की विविध दशाओं का वर्णन करने में विद्यापति सिद्धहस्त कवि रहे, और काव्य शिल्प की दृष्टि से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट काव्य माना जा सकता है। और गीति काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मुक्तक काव्य के रूप में जो इन्होंने पदों की रचना की, उस परंपरा का निर्वाह सूरदास मीरा आदि ने भी किया। और जो श्रृंगार की एक परंपरा, श्रृंगारिक काव्य की परंपरा विद्यापति ने प्रारंभ की,
उसका आगे पल्लवित रूप हमें रीतिकाल में पद्माकर बिहारी आदि के काव्य में देखने को मिलता है। तो इस तरह से मित्रों आज हमने चर्चा की विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, तो उनकी रचना के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि श्रृंगारी कवि होते हुए एक श्रृंगारिक रचना के रूप में विद्यापति की पदावली का योगदान जो है वो अप्रतिम है। वे काव्य सौष्ठव की दृष्टि से, भाव सौष्ठव की दृष्टि से अप्रतिम काव्य है। मित्रों आपके पाठ्यक्रम में विद्यापति के 3 पद लगाए गए हैं और पहला पद जो है वो राधा की वंदना से संबंधित पद है। उसमें राधा की वंदना प्रस्तुत की गई है। हम उस पद को भी देखेंगे और उस पद के आधार पर भी जो हमने आज चर्चा की है उसको उससे जोड़ते हुए भी देखेंगे। पद आपके सामने है विद्यापति का, देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के भी आनि मिलाउल खिति तल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मुरछायल हेरय पढ़हे अथीर, मनमत कोटि मथन करु जे जन से हेरी महि मदिगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछय रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहो निसी कोर अगोरी। देख रेख राधा रूप अपार, ये विद्यापति पदावली का दूसरा पद है जिसमें राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है विद्यापति ने। तो मंगलाचरण के पद है और मंगलाचरण में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का ये पद माना जाएगा। विद्यापति किस विषय का वर्णन करने जा रहे हैं, उनकी रचना का मूल तथ्य क्या रहेगा, इसका उल्लेख इस पद में मिल जाता है, उसका संकेत मिल जाता है। देख देख राधा रूप अपार, कि राधा का रूप कैसा है, अपार सौंदर्य से युक्त है और वे सौंदर्य देखो, उसको आगे बढ़ करके देखो। देख देख मतलब उसको देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अपूर्व के भी विधाता, वे विधाता जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, राधा को बनाने वाला वह विधाता नहीं है अपितु कोई अपूर्व विधाता है, कोई दूसरा ही विधाता है जो जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, वह सृष्टि नहीं है, वह विधाता नहीं है अपितु कोई अपूर्व ही विधाता है। और उस विधाता ने भी क्या किया है, क्षितितल, क्षिति संस्कृत का शब्द है, क्षिति पृथ्वी के लिए आता है, उसी का तद्भव रूप है खिति। तो पृथ्वी तल पर, भूमि तल पर लावणी सार, लावणी लावण्य से लावणी शब्द है, लावण्य सौंदर्य। तो सौंदर्य जितना भी पृथ्वी तल का सौंदर्य है उस सौंदर्य के सार तत्व को, उन सब सौंदर्य से मुख्य तत्वों को सब ला करके आनी ले करके मिलाओल मिला दिया है, उन सबको एकत्रित कर दिया है। तो सौंदर्य के जितने भी उपमान संसार में पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हैं उन सब को ला करके इकट्ठा करके मिला करके विधाता ने इस राधा को निर्मित किया है, राधा को सुंदर। अब तो इसका मतलब राधा अपूर्व सुंदरी है, राधा का सौंदर्य ऐसा सौंदर्य है जो पहले नहीं था और उस सौंदर्य के प्रति कवि स्वयं आकर्षित है और कृष्ण उस सौंदर्य से आकर्षित है। और वह सौंदर्य कैसा है, राधा का एक एक अंग अंग प्रत्यंग कितना सुंदर है कि उसको देख करके कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। अंग ही अंग अनंग मुरछायल, अनंग कामदेव के लिए आया है। एक कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं और एक ये जनश्रुति है, एक मिथक है कि जब पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए
तप कर रही थी और उस समय शिव तपस्या में लीन थे और शिव को तपस्या से हटाने के लिए, उनके ध्यान से हटाने के लिए कामदेव जो है अपनी पूरी सेना को लेकर के अस्त्र शस्त्र के साथ आते हैं और शिव का जो ध्यान है उसको भंग करने का प्रयास करते हैं। और शिव जी का जैसे ही ध्यान टूटता है और वे क्रोध से युक्त हो जाते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। तो तब से शिव कामदेव का एक नाम अनंग भी पड़ा, अनंग जिसके अंग नहीं है, जो शरीर रहित है। और कामदेव जो प्रेम के देवता है, वह कामदेव भी राधा के उस अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। अंग ही अंग, राधा के प्रत्येक अंग के सौंदर्य को देख करके कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। हेरए पड़े अथीर, और उस सौंदर्य को हेरए देख करके भी उनका मन भी अथीर अस्थिर हो जाता है। और इस तरह से मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मदिगीर। मनमथ, कामदेव का एक नाम मनमथ भी है, सबके मन को पराजित कर लेने वाले, सबके मन को मथ लेने वाले, उन्हें पराजित कर देने वाले जो कामदेव है। तो कोटि मनमथ कोटि, करोड़ों लोगों के मनों को पराजित कर देने वाले जो कामदेव हैं, और उन कामदेव को जो पराजित कर देने वाले, मनमथ कोटि मथन करु जे जन, यहाँ जे जन उस कृष्ण के लिए आया है कि वो कृष्ण जो हैं वे करोड़ों लोगों के मन को पराजित कर देने वाले, कामदेव को भी पराजित करने वाले कृष्ण हेरी राधा को देख करके, राधा के सौंदर्य को देख करके, उसके अपूर्व सौंदर्य को देख करके मही मदि गिर, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर, भूमि पर गिर जाते हैं। तो उस सौंदर्य को देखकर वे इतने व्याकुल, इतने आतुर हो जाते हैं, वे स्वयं को संभाल नहीं पाते, सचेत नहीं रह पाते और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछे, उस राधा के चरण कमलों की पर न्योछावर जाते हैं। न्योछे मतलब बलिहारी जाती हैं, न्योछावर जाती हैं। कौन? कत कत लक्ष्मी, कितनी कितनी लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी नहीं अनेक लक्ष्मियाँ, तो कत कत कितनी कितनी लक्ष्मियाँ उनके चरण तलों पर, उनके पैरों पर, राधा के चरणों पर न्योछावर हो जाती हैं। रंगीनी, कितनी सुंदर स्त्रियाँ, अनेक सुंदर स्त्रियाँ हेरी राधा को देख करके विभोरी, विभोरी मतलब बेसुध हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, अब अचेत हो जाती हैं। करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निसी कोर अगोरी। करु अभिलाख, और वे रंगिनी, वे सुंदर स्त्रियां अपने मन ही मन अभिलाख, अभिलाषा करती हैं कि पद पंकज, राधा के चरण कमलों को अपनी कोर, अपनी गोदी में रख करके, अपनी गोद में रख करके अहो निसी रात दिन अगोरी उनकी सेवा करें, उनकी पैर, उनको संभालें, उनकी चरण कमलों को पूजें, उनकी पूजा करें, और ये उनके मन में अभिलाषा रहती है। मित्रों, जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का एक अन्य अर्थ भी निकलता है। एक तो अर्थ आया रंगीनी के साथ, सुंदर स्त्रियां जो है वह अपने मन में अभिलाषा करती हैं कि राधा के चरण कमलों को वे अपनी गोद में रख करके उनकी सेवा करें। और दूसरा अर्थ कवि के संदर्भ में भी है कि कवि ये अभिलाषा करता है, करु अभिलाख, कवि की ये अभिलाषा है, विद्यापति की ये अभिलाषा है कि वे राधा के चरण कमलों को, राधा के जो पैर चरण जो हैं, जो कमल के समान कोमल हैं, कमल के समान सुंदर हैं, उनको अपने गोद में रख करके आहो निसी, आहो तो दिन, निसी मतलब रात, तो दिन रात उनके पैरों को, उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख करके उनके प्रति अपनी भक्ति भाव प्रकट करें, उनकी सेवा करें।
तो इस तरह से राधा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं और उस चित्रण के साथ साथ ही यह भी संकेत दे रहे हैं कि पूरी जो पदावली का आगे वर्णन है, आगे जो वर्णन विषय रहेगा वे सौंदर्य रहेगा। विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। उनकी पूरे पदावली में पूरे पद जो है वो प्रेम और सौंदर्य से परिपूर्ण है और विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और वे इसी का वर्णन करने जा रहे हैं, तो वे प्रारंभ ही राधा के सौंदर्य से कर रहे हैं और राधा के सौंदर्य को देख करके कृष्ण अभिभूत हो गए हैं और कृष्ण अचेत हो जाते हैं और कृष्ण भी कोई सामान्य नायक नहीं है, सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु उनमें भी वे सामर्थ्य है जो कामदेव को भी पराजित कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। मतलब वे कामदेव जो संसार के सभी मनुष्यों को, बड़े बड़े तपस्वियों के मन को पराजित कर देने वाला है, उस कामदेव को पराजित करने की जो क्षमता रखते हैं वह कृष्ण राधा के सामने, राधा के सौंदर्य के सामने, राधा के प्रेम से अभिभूत होकर के पराजित हो गए हैं और वे महीमदी गिर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। तो इस तरह से इस पद में राधा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया है और कृष्ण के प्रेम का वर्णन भी किया है। भाषा आप देख रहे हैं मित्रों, भाषा पूरी तो मैथिली भाषा है और कोमल कांत पदावली है। भाषा का जो लालित्य है, एक सौंदर्य है, भावों के अनुरूप इस शब्दों का प्रयोग विद्यापति करते हैं और इस पूरे गीत में हम देखते हैं कि विद्यापति अलंकारों का सौंदर्य भी देते हैं, जैसे पद पंकज, चरण कमल, रूपक अलंकार का भी प्रयोग करते हैं। सौंदर्य का वर्णन जिस रूप में किया है उसमें अत्युक्ति अलंकार का भी प्रयोग कर रहे हैं और संगीतात्मकता पूरे पद में हमें दिखाई देती है। गेय पद है, गेय शैली में है और इस पद को इस रूप में विद्यापति ने हमारे सामने रखा है। और देखिए इसमें शब्द आया है मिलाओल, शब्द आया है मुरछायल, ये देश शब्द है, विद्या लोक भाषा से शब्द लिए हैं और लोक भाषा से इन शब्दों को लेने के कारण इस पद में लालित्य और अधिक आ गया है, कोमलता और अधिक आ गई है। जैसे राधा का अपूर्व सौंदर्य है, उस सौंदर्य को दिखाने के लिए वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत के शब्दों का तद्भव रूप खितितल हमने देखा, क्षितितल है संस्कृत का शब्द, उसी का खितितल है, या लावण्य शब्द है संस्कृत में, उसका तद्भव रूप लावणी है। लोक भाषा में लावणी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वो प्रयोग करते हैं। और विद्यापति हर बार नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नवीन पर्यायों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसी पद में कामदेव के लिए अनंग शब्द का भी प्रयोग किया है और मनमत शब्द का भी प्रयोग किया है। और अंगई अंग अनंग अनुप्रासात्मक सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है, अंगई अंग दिखा रहे हैं और उसके साथ कामदेव का भी अनंग शब्द, अनंग पर्याय लेते हैं ताकि उसमें एक संगीतात्मकता आ जाए। उसी तरह से अगली पंक्ति में आप देखिए मनमथ कोटि मथन करो, जो यहाँ भी वही अनुप्रासात्मक सौंदर्य हमें दिखाई देता है, वही संगीतात्मकता दिखाई देती है। और यही कारण है कि विद्यापति के आप देखिए प्रत्येक पद में हमें ये सौंदर्य, ये लालित्य, ये काव्य सौष्ठव दिखाई देगा और विद्यापति के पद गाए जाते हैं और विद्यापति के पद लोकमुख में प्रचलित रहे और विद्यापति के पदों को गाते हुए लोग भाव विभोर हो जाते थे, आनंद मग्न हो जाते थे। और इस तरह से हमें इनके इस पद में उनका काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखें, विषय भाव की सौंदर्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये पद महत्वपूर्ण पद है। और इसी के साथ मित्रों हम इसी चर्चा को अगले व्याख्यान में भी बढ़ाएंगे और आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।
और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी को। मित्रों, आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी से तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। आप किसी भी प्रकार के सुझाव या फिर किसी विषय पर अगर लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी से पुनः मुलाकात होगी और जैसा कि डॉक्टर विनीता कुमारी ने स्वयं बताया कि आगे भी हम इसी विषय पर यानी विद्यापति जी पर ही चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमें देखते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करते रहें। आप सभी से हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार विनीता जी। नमस्कार।